हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो ये सातवां आपका टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर ख़त्म कर चुके और आपके 6 ही लेक्चर आपके मिल जाएंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए। 601 से आगे हमें देखना है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो याद रखना है JRD टाटा, क्या होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका दूसरा, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो याद रखना सुजैन वियर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो याद रखना TIFRAC। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 4, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था, परखनली था? तो याद रखना दुर्गा अग्रवाल, क्या था बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 6, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? थे CN अन्नादुराई। ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 7, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई? तो याद रखना ओंदो मटीना के थे, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो याद रखना ये थे भारद्वाज दयाला। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना मनोहर H, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है, क्या होता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें सी और डी दोनों हैं, क्योंकि दोनों में एक ही आंसर लिख दिए, यहाँ डी में होना चाहिए था उपराष्ट्रपति। ठीक है, या एक में उपराष्ट्रपति, तो आपका क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन है 11, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? कार्नेलिया सुरावजी प्रथम महिला खिलाड़ी गलत है, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, रामचंदन शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक, श्रीमती सरोजिनी नायडू ये प्रथम महिला थी। ठीक है, ए गलत है, बी सी जोल सही है। ठीक है, मेल सही है, बी सी डी। ठीक, क्वेश्चन है आपका 12, ब्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? तो याद रखना ब्यासकुंड, क्या है ब्यासकुंड, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 13, कौन सा क्वेश्चन है आपका 13वां, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो याद रखना ब्यास की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14, गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से होता है? उद्गम तो याद रखना शिमला, क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 15, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो ये था भीममाल। ठीक, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शिमला में,
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, क्या है 17, रली पूजा प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो यह विवाह से ठीक है, शादी से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनु का प्राचीनतम मंदिर है आपका मनाली में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? बड़ू साहिब गुरुद्वार आपका सिरमौर में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, बड़ू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो ये देख लिए, सिरमौर में। क्वेश्चन है 21, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो याद रखना वर्गीज कुरियन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले का है, ठीक है। भारत का 29वां राज्य कौन बना था आपका? तो ये था तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, लेकिन अभी 2019 अक्टूबर में एक संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर, तो इसमें जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख, क्या है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो अब आपके बचे हुए हैं 28 राज्य, ठीक है 28 राज्य आपके बचे हुए हैं। क्वेश्चन है आपका अगला 23, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है सी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 24, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन सा है? तो याद रखना चमगादड़, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? भारत में पुर्तगालीन संस्कृति आपकी पाई जाती है गोवा में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं? नौ राज्य भारत के समुद्री तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 27, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है इनमें से? भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसमें श्रीलंका, ठीक, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है श्रीलंका भारत से, ठीक है। बांग्लादेश की लगती है म्यांमार भूटान। क्वेश्चन है आपका 28, क्या है 28, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना 552, कितनी 552, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो यह है आपकी 8वीं, ठीक है 22 भाषाएं जिसमें है अभी। क्वेश्चन है आपका 30, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऊना में, ठीक है। क्वेश्चन है 31, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीनी थी? तो याद रखना 1840 में। क्वेश्चन है आपका 32, हिमाचल प्रदेश के में किस निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो ये आपका कांगड़ा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा का पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34, क्या है 34, किस रियासत के शासकों ने मुगल सम्राट जहांगीर के कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? नूरपुर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 35, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो ये था जगत सिंह,
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 36, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटी की तरह माना? तो ये था आपका नूरपुर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 37, क्या है 37, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान की थी? तो याद रखना बीरबल को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? केहरी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40, नांगकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये कराया था जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने। क्वेश्चन है आपका 41, मुगल सम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो याद रखना राजा घमंड चंद ने, राजा घमंड चंद ने, किसने? राजा घमंड चंद ने। अगला क्वेश्चन है अपना 42, कौन सा 42, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है? तो याद रखना यह है आपकी हमीरपुर में, कहां है? हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो याद रखना जस्सा सिंह, सी ऑप्शन सही, जस्सा सिंह। क्वेश्चन है 44, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह आपका हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन सही है। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 45, क्या है 45, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यह नर्मदा, ठीक है, क्या है? नर्मदा। क्वेश्चन है 46, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 47, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को, किसे? गोदावरी को, ठीक है। क्वेश्चन है 48, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी का उद्गम स्थल है त्रिवंगा गांव में। क्वेश्चन है आपका 49, क्या है 49, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो यह तापी, ताप्ती, ठीक। कावेरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, और आपकी महानदी भी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता का कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो याद रखना कावेरी को, ठीक है, किसे? कावेरी को। क्वेश्चन है आपका 51, भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यह आपकी लूनी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52,
भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 53, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन है आपका 55, क्वेश्चन 55, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 56, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? क्या है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो याद रखना वनिहाल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखिए ताप्ती, पहले भी बात कर चुके हैं, ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 58, दामोदर नदी निकलती है, तो याद रखना छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन है आपका 59, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो याद रखना महाबलेश्वर, ये ऑप्शन सही होगा आपका। क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखना कोसी, क्या है? कोसी नदी आपकी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कावेरी नदी गिरती है, याद रखना बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 62, क्या है 62, खेवर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना पाकिस्तान, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 63, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना जे लेपला, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 64, प्रयागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तंजावुर में, कहाँ? तंजावुर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 65, बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो याद रखना यह है असम का, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 66, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो याद रखना गुड फ्राइडे को। क्वेश्चन है आपका 67, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक सही है। क्वेश्चन है आपका 68, बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? बिहार का मुख्य त्यौहार है छठ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 70, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 71, सगा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो यह बौद्ध का, ठीक है, क्या है? बौद्ध का। क्वेश्चन है आपका 72, लठमार होली खेली जाती है मथुरा में, कहाँ? मथुरा में। क्वेश्चन है आपका 73, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव आपका
पुरी में मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 74, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो याद रखना पारसी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 75, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है अश्विन मास में? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 76, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो याद रखना ये पूछ लेता है कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1893 में, ठीक है, 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 77, तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना बिहार में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो याद रखना जहांगीर के काल में। कब? जहांगीर के काल में, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 80, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो याद रखना जहांगीर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 81, मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सह्याद्री। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपका पालनी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 84, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 85, छोटा नागपुर पठार स्थित है एक संप्रयाय भूमि है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86, जब दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाई मुदी, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 87, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपका मालवा का पठार। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 88, सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो याद रखना गुजरात की। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन है 91 आपका, भारत का पिमाड़िक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद में नैनी के समीप, इलाहाबाद के समीप, ठीक है, नैनी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 92, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 93, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपका गुजरात, देख ही चुके हम लोग। क्वेश्चन है आपका 94, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये 27.7%। क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो ये भी 27.7% के लगभग। क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो याद रखना तुला को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 97, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन है आपका 99,
निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो याद रखना सी द्वीप। क्वेश्चन है आपका 700, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो याद रखना नागालैंड पूर्ण राज्य बन चुका है, ठीक है, पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए ये थे आपके 700 तक क्वेश्चन, 701 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।